हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है कैपिटल स्ट्रक्चर। पीछे वाली दो वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ मिलती जुलती दो आइटम्स हमने डिस्कस किए हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो वो वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। और इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है कि डेट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। कॉस्ट और रिस्क के बेस पर हमने ये टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। तो आइए अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों में क्या डिफरेंस है। ऋण पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और डिसिमिलैरिटी, मतलब समानताएं क्या आपस में मैच करता है और क्या ऐसा है जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हम सिमिलरिटीज की बात करते हैं। अगर हम समानता की बात करें तो दोनों में सबसे एक कॉमन चीज होती है, डेट कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट फिक्स देते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिविडेंड कितना मिलना है फिक्स होता है। मतलब दोनों में एक कॉमन बात है फिक्स होने की, इनको इंटरेस्ट फिक्स मिलता है, इनको डिविडेंड फिक्स मिलता है। इसलिए इंटरेस्ट फिक्स और डिविडेंड फिक्स होने की वजह से इन दोनों कैपिटल के सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट, स्थाई पूंजी लागतें। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको फिक्स के अकॉर्डिंग हमने इंटरेस्ट फिक्स किया हुआ है, इनको डिविडेंड फिक्स किया हुआ है, इसी वजह से हम इनको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट, क्योंकि हमको पता है कि इनको कितनी फिक्स के अकॉर्डिंग, कितनी फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने इनको पे करना है। और ये जो दोनों सोर्स होते हैं ये इक्विटी शेयर कैपिटल से सस्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे करना है कोई फिक्स नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर परसेंटेज डिविडेंड की कभी फिक्स नहीं की जाती है। यस, ये दोनों सोर्सेज इक्विटी शेयर कैपिटल से सस्ते पड़ते हैं, जबकि बाकी का जो बच जाता है प्रॉफिट, उसके ऊपर हक राइट किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड मिलने वाला है ये कभी भी फिक्स नहीं होता है, अनलिमिटेड टाइम तक उनको परसेंटेज मिल सकता है डिविडेंड में। अगली बात करते हैं हम डिसिमिलैरिटीज की, दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस के अंदर में अगर बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस है कि हमें डेट कैपिटल को इंटरेस्ट हर हालत में पे करना ही होता है। बिजनेस में हमको प्रॉफिट है या लॉस है, हमें इंटरेस्ट हर हालत में पे करना ही होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को हम सिर्फ प्रॉफिट होने के केस में ही डिविडेंड पे करते हैं। इनको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कंपनी में, इंटरेस्ट मिलेगा मिलेगा, इनको सिर्फ तब मिलेगा डिविडेंड जब कंपनी में प्रॉफिट हो रहे हैं। इनको टैक्स बेनिफिट मिलता है, इनको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, कंपनी में 1 लाख के प्रॉफिट हुए, इन लोगों को हमने इंटरेस्ट पे करना है, 10,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया, बाकी प्रॉफिट कितने रह गए? 90,000। कंपनी ने 30% मान लो टैक्स पे करना है, कितना चला गया? 27,000। बाकी का प्रॉफिट इनके लिए प्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होने वाला है। क्या क्या देखा हमने यहां पे? जो 63,000 का जो प्रॉफिट अवेलेबल होने वाला है, उस प्रॉफिट में से हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे प्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। तो अल्टीमेटली डेट कैपिटल वालों को इंटरेस्ट हमने पहले पे कर दिया है, जबकि टैक्स बाद में घटाया है। मतलब इनको क्या टैक्स का बेनिफिट मिल गया? इनके प्रॉफिट में से तो इनको मिले हुए इंटरेस्ट में से टैक्स तो घटाया ही नहीं हुआ है, जबकि ये जो प्रॉफिट बचा है, ये प्रॉफिट कब बचा है? टैक्स घटाने के बाद। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर इनको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो
डेट कैपिटल वालों को टैक्स का बेनिफिट मिलता है तो इनको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती है, कंपनी अगर दोनों में से पैसा रिटर्न करना चाहे तो सबसे पहले पैसा इनको वापिस होगा फिर इनको वापिस होता है। यस, कंपनी पैसा वापिस करती है पहले जहां से कंपनी ने लोन लिया हुआ होता है या कहीं से डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लिया हुआ है। तो कंपनी पहले डेट कैपिटल वालों का पैसा रिटर्न करती है, उसके बाद पैसा रिटर्न करती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों का। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक, डेट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और दोनों में क्या डिसिमिलैरिटीज हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।